अलिफ अल्लाह अर इंसान। ए दिलों को खूबसूरत बनाने वाले रब, ए ज़हनों में प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सोचें देने वाले मालिक, ए आँखों में कायनात की रोशनी भरने वाली मालिक, हम तुझसे ईमान की ताजगी पुख्तगी मांगते हैं जो हमें तुझसे मिला से। हम दुआ करते हैं वो हमारी जिंदगियों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को संवार दे। हम तुझसे राजी हो जाएं, तू हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। आमीन। बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो। आमीन। आमीन। जाओ बच्चों अब कल आना। आओ भैया आओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ रह गए? बस बाबा जी, अपने आप से ही कश्मकश में मसरूफ था। अच्छा, फिर आज सच का सामना करने जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरी मदद करे। सच को किसी दुआ की जरूरत नहीं होती, सच इतना मजबूत होता है कि झूठ उसका सामना करने से पहले ही लड़खड़ा कर गिर जाता है। जी बाबा जी, अब तो मुझे भी यकीन आने लगा, सच कहने के लिए और सच सहने के लिए बहुत ताकत और हौसले की जरूरत होती है। सच कहने वाले मायूस तो हो सकते हैं, नाकाम कभी नहीं होते। ठीक कह रहे हैं, मैंने भी अपने दिल को इस बात पर राजी कर लिया। शाबाश शाबाश, तुम्हारा अंदर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है, और जब अंदर मजबूत हो जाता है तो ईमान खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। जी, सच ईमान की सीढ़ी का पहला कदम है। मजबूती से खड़े रहना, ईमान की रोशनी तुम्हारे रास्ते की हर तारीकी को निगल लेगी। आपकी बातें मेरे दिल को मजबूत कर देती हैं, और अल्लाह की बातें तुम्हारे ईमान को मजबूत कर देंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बासित। नहीं अम्मा, अब्बा जी, अगर इंसान से भूल हो जाए तो उस बात को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। सुहेल समेत हर बंदा शाहजेब की तारीफ करता है। हाँ हाँ, शाहजेब की सब लोग तारीफ करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? कादर अली को भी मैं नाजी के रिश्ते की हाँ कर चुका हूँ। क्या बासित के साथ? अब्बा जी, आप कैसी बातें करें, क्या हो गया आपको? अब क्या मलकों की बेटियां मुजारों के घर जाएंगी? अम्मा जी, आपने समझाया नहीं अब्बा जी को। बहुत समझाया है मलिक साहब, क्यों अपनी नाक कटवानी है आपने? सरकार सरकार, मलिक साहब, मलिक साहब सरकार, आप माई बाप है, इस बदबख्त को माफ कर दे। क्या
क्या बात कर रहे हो कादिर, क्या हुआ है? आपका नमक है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानता था, इसको माफ कर दे। माफ कर दे? क्यों मलिक साहब? वो नाज़ी बीबी का दिल आ गया बासित पे, शाहजेब साहब से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने चाल चली। क्या रजिया, तेरी आंखों के नीचे तेरा बेटा बड़ा बनने के ख्वाब देखता रहा और तू आंखें बंद करके बैठी रही? बदमाश, तुझ पर मैंने एतबार किया और तूने ही मेरे घर पर डाका डाला। जी करता है यहीं पे गोली मार दूं तुझे, फिर तेरे अबाओ अजदाद और तेरे माँ बाप का और इनकी खिदमत का ख्याल आ जाता है मुझे। दफा हो जा यहां से, ले जा इसे कादर अली, इस गांव से बाहर ले जाओ, आइंदा यहाँ पर नजर आए तो गोली मार दूंगा। बासित से मोहब्बत मैंने की है, इसमें से कोई कसूर नहीं है। अगर आप इसे निकालना चाहते तो मैं भी इसके साथ जाऊँ। हाँ बाजी, मैं शाहजेब से नहीं बल्कि बासित से शादी करना चाहती हूँ। बदतमीज, बाप से बदतमीजी किए चली जा रही है? कोई गैरत कोई शर्म है तुझमें? दफा हो जा यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मैंने बासित से मोहब्बत की, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ अपने कमरे में, आप लोग मुझ पर ये जुल्म नहीं कर सकते। नाज़ी, अब्बा जी की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, क्या इन्हें मेरी मोहब्बत का ख्याल है? मैं जा रही हूँ बासित के साथ। नहीं, मैं आपको लेके कहीं नहीं जाऊंगा। आपको शाहजेब साहब से ही शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं और ना ही आपसे शादी करूंगा। मुझे मलिक साहब का फैसला मंजूर, तुम्हारे इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। यास्मीन, जाओ उसको देखो, दिमाग खराब हो गया उसका बिल्कुल, जाओ। मलिक साहब आप बैठे। हुजूर, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा कमरा ठीक करवाएं। आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, जो आप कहेंगी वो ही ठीक करवा देंगे। रहने दीजिए, हम यही ठीक हैं। मगर आपने खुद ही तो कहा था बदलने के लिए। फिलहाल यही ठीक है, बदल लेंगे। हुजूर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज रात को तो आपका मुजरा भी है। क्या इतनी जल्दी मुजरा? निगार बेगम हफ्ते में एक मुजरा किया करती थी। वो तो इसलिए ताकि दूर दूर से लोग उन्हें और उनका रक्स देखने के लिए आए, उनकी मांग बढ़े। अगर हुजूर, आपकी तो धूम मच गई है, लोग फोन कर कर के पूछ रहे हैं। रीना बेगम, आप तो किस्मत के धनी हैं। जो निगार बेगम एक रात के मुजरे में कमाया करती थी ना, वो आप हर रोज कमाया करेंगी। हरगिज नहीं हुजूर, कोठे की आन बान शान सब पैसे से ही तो है। एक तवायफ अपना सब कुछ पैसे के लिए तो दाव पे लगाती है। पैसा सब कुछ नहीं होता। एक तवायफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है तो जी भर कर पैसा कमाए। पैसा? सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। मैं खुद ही मिस आपको फोन करती हूँ कि वो आकर आपको अच्छा सा तैयार कर दे, कुछ सरकारी अफसर आ रहे हैं। ठीक कह रही थी निकाल दे, काश हम बेकार ही रहते।
मलिक साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि नाजनीन या आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भाई साहब, मेरे शाहजेब ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इसकी माँ हूं, मेरे बच्चे का सच आपको उसकी आंखों और चेहरे पर नजर आएगा। एक रोज दोस्तों के इसरार करने पे कमजोर लम्हों में मैं वहां चला गया। मैं आपको लेके कहीं नहीं जाऊंगा। आपको शाहजेब साहब से ही शादी करनी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं और ना ही आपसे शादी करूंगा। मुझे मलिक साहब का फैसला मंजूर है, हमारे इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। गया जरूर मलिक साहब, लेकिन मेरी मां की तरबियत आड़े आ गई और मैं वहीं से उल्टे कदम वापस लौट आया। मैंने जिंदगी में कभी भी खुदा की मुकर्रा हद को पार नहीं किया। मैं अपने नए रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने नाजनीन को सब कुछ सच सच बता दिया। शायद वो अभी छोटी है और बात को समझ नहीं सकी। अगर आप माफ कर सकते हैं तो माफ कर दें। ठीक है बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, मुझे सफाई का मौका दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, तुम्हारे चेहरे पर लिखी सच्चाई ने साफ साफ बता दिया कि तुम ना तो किसी को धोखा दे सकते हो और ना ही झूठ बोल सकते हो। भाई साहब, भाभी, अब जब सारी गलत फहमियां दूर हो ही गई हैं, तो क्यों ना इस नेक काम में बिस्मिल्लाह करें। हाँ हाँ, हमारी तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, इस जुम्मे को ही इस नेक काम को सर अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, आपकी अमानत है, जब जब चाहें आ जाएं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बच्चा, जीते रहो, खुश रहो बेटा। मुझे मेरा वासित दे दो, मुझे मेरी मोहब्बत दे दो। वादा करती हूँ मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मैं सारी जिंदगी और कुछ नहीं मांगूंगी। तेरा हमसे वादा है कि तू दुआ मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। या अल्लाह, मुझे भी खाली हाथ मत लौटाना। या अल्लाह। बेटा, अल्लाह अपने इंसानों के लिए बेहतर फैसले करता है।
क्या क्या मुझे मेरा बासित मिल गया? तुम्हारी शादी है इस जुमे को क्या शाहजेब के साथ? नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप। लेकिन आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। जो बेटी बाप की पगड़ी सरे बाजार उछालने पर तुली हुई हो उसके साथ जबरदस्ती की जा सकती है? तुमको शर्म नहीं आई हमसे झूठ बोलते हुए? तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी इज्जत इतनी अजीज है ना, तो मैं भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बंद कर दे वरना यहीं पे गाड़ दूंगा तुझे जमीन में। हाँ तो गाड़ देना मुझे, किस चीज का इंतजार है आपको? गाड़ दे मुझे। नाज़ी चुप हो जा, आपके सामने चिल्ला रही है। हाँ चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। अशरफ, अरे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मजारे के पेट के साथ यही लड़ाती है? अरे तुम मर जाती तो अच्छा था। मार दे मुझे, मार दे मुझे, अभी गला घोट के मार दे मुझे। तब फिर ठीक है, सबसे पहले मैं उसके सीने में गोली उतारूंगा, फिर तुझे मारूंगा, फिर अपने आप को हजम करूंगा मैं। नहीं अम्मा जी, अम्मा जी नहीं, अम्मा जी, अम्मा जी आपके हाथ जोड़ती हूँ। अम्मा जी, अम्मा जी उसे इतना कहेंगे? अम्मा जी इसका क्या कसूर है? अम्मा जी खुदा का वास्ता, अम्मा जी नहीं। मेरा क्या कसूर था? सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुझसे किया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरे मोहब्बत का ये सिला दिया तूने मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी बेइज्जती हो। खामोश, खुद ही से ज़मान खींच लूंगा मैं तेरी। बेटी होकर तू अपना फर्ज भूल गई है, बाप होकर मैं अपना फर्ज नहीं भूला। एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया तेरे लिए और तूने उसकी किरदार कशी की, झूठ बोला हमसे। बस अब कुछ और नहीं सुनूंगा मैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बासित, तेरे साथ साथ हमारी उम्मीदें भी जवान हुई थी, सब पे पानी फेर दिया था। गांव से हमेशा हमेशा के लिए देश में ताला मिला, क्या क्या अरमान थे मेरे। मैं भी उधर काका है, जब तुम पढ़ लिख के डिग्री लेके आएगा ना तो मैं सारे पिंड में जश्न मनाऊंगा। सब सच है सवाए मेरे, सब बेगुनाह। सारी आग उस नासी बीबी की लगाई भी है, बड़ा गलत है उसका। अच्छा खासा शाहजेब से शादी कर रही थी, पता नहीं क्या तकलीफ हो गई। औरत बड़े बड़े मर्दों की अकल पे पर्दा डाल देती है। बासत अली वो मर्द ही क्या जो बहक जाए? नाजी कभी ना हारती बासित, उसे तुमने मात दी है। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार थी, अगर तुम अब्बा जी के सामने मेरी मोहब्बत से ही मुनकर हो गए, मेरा कला ही मजबूत ना था तो मैं क्या करती? तुम बहुत कमजोर निकले बासित। क्या बात है? रीना बेगम आप कुछ उदास नजर आ रही हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही।
सुना है आपने पहले ही मुजरे में लाखों कमाए हैं, आपको कितना हिस्सा मिला है? कौन सा हिस्सा? लगता है चमन बेगम ने आपको कुछ खास नहीं दिया, कम से कम 5 लाख तो बनता है। एक तवाइफ अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी नीचे खाली रखे तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? तवाइफ? हाँ, तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ होता है। आप अपने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए संभालें। उस वक्त जब एक तवाइफ का कोई साथ नहीं देता, ना ही ये दर दीवार और ना ही ये घुंघरू, सिर्फ आपका पैसा आपके काम आएगा। घुंघरू? इन्हीं से तो तवाइफ के कदमों में जुम्बिश रहती है और इन्हीं की छनकार सुनकर लोग तवाइफ पर पैसा लुटाते हैं। आप इन्हें पहन ले। एक तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है, तो जी भरकर पैसा कमाएं। सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी थी, तदा की है। उस्ताद चंदू, आप जरा मेहमानों की तवाज़े कीजिए, हम अभी रीना बेगम को लेकर आए। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हो? और इन घुंघरुओं के बगैर रक्स मुमकिन नहीं। इनकी झनकार से तो मेहमानों के दिल धड़कते हैं। आप इन्हें जरूर पहन लीजिएगा। आप तैयार होकर नीचे तशरीफ ले आए, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अपने वक्त में तैयार होकर आ जाएंगे, अब जाइए। जी हजूर। अरे हमारे नसीबों में और क्या कुछ लिखा है। हंसी बीबी, कमजोर दिल डरपोक इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थे। नाजी बीबी, तुम यहाँ क्यों आई हो? घर चली जाओ। मेरी आंखों में देख के जवाब दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हाँ, तुम फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? जो मुमकिन नहीं उसकी जान छोड़ दे। अरे जाओ, मोहब्बत के नाम पे धोखा दिया तुमने मुझे। मैं और मेरा खाता मलिक साहब से वफादारी निभा रहे। और मेरे साथ क्या? हाँ, मेरे साथ क्या? आपको भी आने वाले वक्त की अजीज से बचा रहा। अपनी बुजदिल में पड़ता मत डालो बासतरी, कमजोर इंसान।
पकड़ी। अगर उस भी गन तो बासित अली नाथ ही मेरा। उस दिन नहीं हुए। छोड़ दो, छोड़ दो। नाज़ी बीबी, रब का वास्ता घर चली जा। हाँ, हमारे लिए और मुसीबत खड़ी ना कर नाज़ी बीबी। घर चली जा। क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? क्यों छोड़ के जा रहे हो? मलिक साहब की इज्जत की खातिर नमक हरामी नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे कि किसी और की हो जाओ? हाँ, कर सकते हो बर्दाश्त? हाँ। अंदर ये और आपको भी बर्दाश्त करना होगा। नहीं, तुम तो बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त मैं क्या करूं, क्या करूं? चली गई यास्मीन? सही कह रही थी, कहीं बासित के साथ तो नहीं चली गई? या अल्लाह, कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी मैं पूछ रही हूँ? चल दे मुझे। सब बोल, चल अंदर, चल अंदर। मेरी बात सुन नाज़ी, मुझे बता दे तू कहाँ गई थी? तेरे बाप ने सुख कितनी दफा समझाया तुझे, कोई असर नहीं होता। अगर चाहती क्या है तू? खून की नदियां भेजे। आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा सब कुछ तो छीन लिया आप लोगों ने। अगर तू इस कमरे से बाहर निकली ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। कहाँ जाऊंगी? मेरे कदमों तक जमीन तक खींच लिया आप लोगों ने। नाज़ी, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो पहले मैं तेरी जान लूंगी, फिर अपनी। की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा, क्योंकि अभी मैं एक जिंदा लाश, मुझे चाहे दफना दे या कहीं भेज दे, कुछ नहीं कहूंगी। जाओ बैठ जाए आप। खबरदार जो कमरे से बाहर निकली। मेरे पर भी तो काटते हैं। फिकर, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हो गए तुम्हारे ख्वाब पूरे? क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? तुम तो निगार बेगम बनने आई थी। खूब मजा आ रहा है ना निगार बेगम बनने का? वास बंद करो। चुप करो, चुप करो, चुप कर जाओ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो तो तुम पी चुकी हो, उसका तो तुम्हें अब हिसाब देना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ऊपर क्यों नहीं जाते? ऊपर ना जाते? अच्छा, अच्छा।
बेगम, रीना बेगम की तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। हाँ, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। ऊपर तले मुजरों से तो कोई भी तवायफ बीमार पड़ सकती है, और फिर रीना बेगम तो नई नई है। क्या करें, इनके मुजरों की डिमांड भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आप सब लोगों को मना कर दो, सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को क्यों एक ही दिन में जिबा ना करें? आपने हर वक्त इनका ख्याल रखना है, और इनकी 24 घंटे खिदमत का, और इनके पैरों के जख्मों पर मरहम लगा दी, समझ गए? अम्मा, दवाई तेरे सराहने रखी है, याद से उठा लेना। गुड्डी मेरी ती, तुझे तो मेरी बीमारी का पता है ना, तो मेरी रानी ती को ढूंढ के ला दे तू मुझे। कहाँ से लाऊं? अब शामू ने भी मना कर दिया है कि मुझे फोन ना कर। अच्छा, इस गल को तो बहुत दिन हो गए ना, आज मेरी सोनी ती ने एक बारी फोन कर ले उसको फिर से। ये पकड़ और खुद फोन कर, मुझे बेइज्जती कराने का शौक नहीं है। कौन कर रहा है तेरी बेइज्जती, हैं? बता, कौन कर रहा है तेरी बेइज्जती? अब्बा, कोई नहीं। ये किसका नंबर है, हाँ? किसका नंबर है? अब्बा, वो शामू हिजड़ा नहीं है, उसने रानी को कहीं देखा था, तो अम्मा हर रोज जिद करती है कि रानी का फोन करके उससे पूछ। कितनी बारी तुम लोगों को बताया, मर गई हमारे लिए वो, उसका कोई नाम लेगा उसको काट के फेंक दूंगा मैं। मैं बल गया, अल्लाह का वास्ता, तुझे रब का वास्ता, ऐसा ना करियो। हाय, मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूं तब भी मैं अपनी दी को नहीं भूल सकती, कैसे भूलूं मैं उसे? जिस तरह वहां मैं भूल गई ना, हमारे लिए वो सारी जिंदगी के लिए मर गई है, समझ गए हो? मर गई है। चल यहां से, चल चल, जाके भीख मांग। नवाजिश अली साहब तशरीफ लाए। नवाजिश अली? क्यों? हमें लगता है वो आपसे बहुत मुतासिर हुए, किसी अहम काम से आए हैं, हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया, आप तशरीफ ले आइए। चलिए। ये क्या, क्या आप उनसे इस तरह मिलेंगी? हाँ। अच्छी तरह तैयार होकर जाइए, तवायफ का असली चेहरा कोई ना देखे, सारी उम्र उसकी इसी कोशिश में गुजर जाती है। क्यों? उसकी रूह का दुख जब उसके चेहरे पर आता है तो वो खुद भी डर जाती है। हरम ही रहे तो अच्छा है, मेकअप करके तैयार हो जाइए, और हाँ, उनकी हर बात फौरन मत मान जाइएगा, अपनी आन बान का ख्याल रखकर बात कीजिएगा। अब ये रोना धोना बंद करो, अल्लाह ने जो इंसानों के नसीब में लिखा होता है ना बेटा, वो मिल के रहता है उसको। फिर वो ये क्यों कहता है? कि दुआ मांगो, कि दुआ मांगने से इंसान की तकदीर तक बदल जाती है। मैंने तो किड़किड़ा के दुआएं मांगी थी माँ, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई ना, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी, ये तो वो ही जानता है।
दुआ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। ऐसे नहीं करते बेटा, अल्लाह से जिद नहीं लगाते। तो फिर वह हमें बहलाता क्यों है कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो वैसा होगा, कुछ नहीं होता। मैंने इतना रो रो के मांगा था बाजत को। हो सकता है शाहजेब ने भी तुम्हें मांगा हो। लेकिन मुझे शाहजेब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे शाहजेब। बेटा मुमकिन है उसको तुम्हारी जरूरत होगी, अल्लाह के फैसलों में दखल नहीं देते हैं। बेटा अल्लाह को इतनी सरकशी नहीं पसंद, खुदा के लिए कोई बड़ा बोल मुझसे नहीं निकालना। हम इंसानों की औकात ही क्या है जो उसके आगे मुंह खोले। तो फिर वो हमारे दिलों में मोहब्बत क्यों डालता है? बस बस कर दो नाजी, बस चुप हो जाओ। अच्छा चलो मैं तुम्हें कपड़े दिखाती हूँ, और जेवर तो तुमने देखा ही नहीं, सब तुम्हारी पसंद के रंग लाई हूँ, जो तुम्हें पसंद है ना बस सारी चीजें वही लेकर आई। कितनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी वो सब पहन के। लाश को पहनाते हुए ये नहीं देखते क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, बस पहना देते, कफन हो या जो भी। या अल्लाह मैं इस लड़की का क्या करूं, मेरी मदद फरमा मेरे मौला। हौसला करो सब ठीक हो जाएगा।